सबसे पहले हम बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यूट्यूब पे डाउनलोड करते हैं। तो ओम साईं राम जी बाबा रहम करना और जो भी हम काम करें, जो भी हम वीडियो बनाएं उसको सक्सेस देना और बाबा सब आपके सहारे हैं, जो आप चाहोगे वही होगा। तो प्लीज़ अपनी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी रहम और नज़र बनाए रखना बाबा आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम और अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ये मैंने दिए चाय बनने रखने, चाय इधर चाय बनेगी, इधर पोहा बनेगा। तो इसको भी हम गैस ऑन कर लेते हैं। डाल दी मैंने दो इलायची, क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्मी में अदरक नहीं डालती मैं, तो इलायची डाल देती हूँ। तो अभी ये मेरी चाय बन रही है इधर, और इधर मैंने पोहा बनाने के लिए कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई पे ध्यान मत देना कोई भी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है और ये चाय कितनी भी कैसी भी हो जाएगी, काली पीली गोरी, बट ये कढ़ाई में ही मैं अपना काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। बाकी कढ़ाई दूसरी भी रखी है दो, पर उसको मैं यूज़ नहीं करती, मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको यूज़ करती हूँ। ये हैवी है, थोड़ी सी बड़ी भी है, और मैं इसको कम कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसको 25 सालों से यूज़ कर रही हूँ, इस कढ़ाई को 25 साल हो गए, ठीक है। 25 साल पहले मैंने 200 रुपए की दी थी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं और पुनीति खाते हैं, तो इतना मेरे लिए होगा। मैंने धो लिया है और इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, और इसको मैं अभी प्याज डालूँगी इसमें, तरीके से टमाटर। आज मैं प्याज सिर्फ प्याज का ही बनाऊँगी, मैं टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे खाती है, तो मैं टमाटर वगैरह बॉइल करूँगी और सिर्फ उसमें नॉर्मल से बना लूँगी, प्याज और नमक मिर्च डाल के। ये चार पांच हरी मिर्च डाल देती हूँ लंबी लंबी काट के, क्योंकि अच्छी लगती है थोड़ी सी, तो इनको मैं ऐसे काट लेती हूँ उस तरीके से, और ऐसे इसको धोके रख दिया, तो ये देखो ऐसे खिले खिले हो गए। इधर चाय भी बन चुकी है, इधर पोहा भी बन चुका है और हमारा नाश्ता रेडी है। अभी हम ये हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, चाय और पोहा। तो अब ये मैं अपनी पोहा नहीं पोहा पोहा खाएगा पुनीत, पुनीत क्या खाएगा? पोहा पोहा खाएगा, पोहा क्या खाएगा पुनीत? पोहा। Thank you.
पोहा में नमक हो गया है ज़्यादा और ऊपर से मैंने डाल दिया नमकीन, अब कुछ कर नहीं सकते तो खाना का पड़ेगा। हमारे पौधों की मिट्टी है क्योंकि हमारे पौधे हो गए थे ख़राब और इसमें सारी मिट्टी कटी मिट्टी पड़ी है। मैंने क्या करा है कि मिट्टी सारी गमलों में से निकाल ली है और निकाल के अब इसको ना फेंक देंगे क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें ना कुछ गलत खाद पड़ गई थी। अब इसमें पौधे लगाते हैं अच्छे हो जाते हैं फिर अपने आप ही सूख जाते हैं, तो इसलिए पन्नी में भर के रख ली है और ये जगह कर ली हमने खाली। ये भी देखो सब बेकार ही हो रहे हैं पौधे, तो इनको सबको हटा के और नए पौधे लगाएंगे। ये सारे खाली कर लिए हमने, ये देखो सारे बेकार हो गए हैं, तो ये जगह खाली करके इनको देखेंगे, ये मिट्टी मिट्टी को फेंक देंगे। हमने दो मंगाए हैं ये थैले थैले टाइप के, अब इसमें क्या है ना इसमें आराम से मिट्टी भर के चली जाएगी और ये पन्नी में जा नहीं सकती ना, पन्नी तो पट जाएगी, तो इसमें हम भर के और फेंक आएंगे तो फिर नए गमलों में नए लगवाएंगे सही से। ये जगह हमने बनवा दी सही से खाली कर दिए, मेरे को सारे गमले खाली कर दिए, सब बेकार हो गए। ये देखो हमारी तुलसी जी भी सूख गई है, ये सब सूख गई है और ये सामने वालों के देखो पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं इनके, पता नहीं इनके पौधे कैसे अच्छे हो जाते हैं समझ ही नहीं आता। ये सारे काट देते हैं और अभी देखो इतने अच्छे अच्छे पौधे हो रहे हैं इनके, और फिर काट देंगे सारे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे और उसके बाद लगाएंगे उनके, फिर वैसे ही हरे भरे हो जाते हैं और हमारे होते हैं फिर सूख जाते हैं, पता नहीं हमारे पौधे में क्या हो जाता है। क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं कुछ नहीं, नहीं पुनीत से कुछ भी पूछो तो पुनीत हाथ जोड़ लेते, एक बार हाथ जोड़ के नमस्ते करो। नमस्ते पुनीत के बाल भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, दाढ़ी मूछ भी बड़ी हो रही है। बाल है, बाल है, नहीं बोलो पुनीत इरिटेट हो जाते हैं अगर इनको दो बार से तीन बार बोल दिया। और पुनीत का ट्रिमर हो गया है खराब और पुनीत का ट्रिमर अब आएगा नया, तब ये इनके दाढ़ी मूछे बनेंगी, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। पुनीत पूरे एक वो लग रहे हैं कबीर वेदी अपनी इरिटेट हो रहा है, बार बार नहीं बोले, क्या बोले फिर? कुछ नहीं बोला, गर्मी नहीं लग रही तेरे को? नहीं क्यों? ठंडी लग रही है। ओ माय गॉड, तो स्वेटर दूं तेरे को? रजाई दूं निकाल के? चल स्वेटर भी देती, रजाई भी चल ओढ़ के बैठ जा, स्वेटर पहन ले और रजाई ओढ़ ले, ठीक है? पुनीत को बहुत तेज ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है बहुत तरह की। पुनीत घूमने चले नहीं हो, कहीं भी चलते हैं, चलो चलो स्कूटी पे बैठ के राउंड लगवा के लाते हैं। स्कूटी पे बैठ के घुमा के लाऊं तेरे को? ऐसी घुमा लाएंगे रोड पे, और कहाँ जाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप हो रही है, कहाँ जाएंगे? नहीं जाओ, नहीं जाओ, चलो ठीक है फिर। पुनीत हो जाते हैं इरिटेट, पुनीत को एक बार से दो बार बोल दो कोई बात तो पुनीत इरिटेट हो जाते हैं। और हमारे पुनीत बहुत टाइम से, पुनीत अपने बर्थडे पे घूमने गए थे और उसके बाद नहीं गए ना पुनीत? नहीं बताओ, सितंबर में एक साल हो जाएगा पुनीत को और पुनीत एक साल से कहीं घूमने नहीं गया, एक साल हो जाएगा पुनीत, देख लो बहुत पेशेंस है पुनीत के अंदर। अभी क्या है इतना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब गर्मी में तो इतनी गर्मी में मेरी तो बस की है नहीं कहीं नहीं जाना, मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, आज मेरी छुट्टी और मैं घर में बैठी हूँ तो मैं तो वैसे ही नहीं जा सकती हूँ। पुनीत भी नहीं जा सकता है ना पुनीत? नहीं नहीं जाएगा ना, नहीं गर्मी में, अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा ना फिर चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए अभी एक महीने के बाद चलेंगे, सही है, एक महीने के बाद ट्राई करेंगे कहीं जाने के लिए क्योंकि अभी तो बहुत बुरी हालत हो रही है हमारी, अभी तो कहीं नहीं जा सकते। और ये मैंने रिंग ली है, तो एक रिंग मैंने इस फिंगर में पहनी हुई है हाथ में और एक इस हाथ में पहनी हुई है, तो ये गोल्ड से कम नहीं है और खो जाए तो कोई गम नहीं है, तो एक में गोल्ड की है एक में डायमंड की है और क्या कह सकते हैं, हाथों में भी अच्छी लग रही है, कोई डायमंड से कम नहीं कह सकता कि डायमंड की नहीं है गोल्ड की नहीं है, क्या है पहनो हो जाए तो अपने घर पे आ जाओ। सबसे बढ़िया आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल पहनो खो भी जाता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाथों की भी सेवा बन जाती है, भाई ठीक है पहनी है अच्छी लग रही है।